नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रायल के बाद वैक्सीन भी आ गई है। आज से 3 दिन बाद यानी 16 जनवरी को भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले वैक्सीन को देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकारों की और डिमांड आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में नहीं देती है तो हम दिल्ली वासियों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा होने पर दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर जनता को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी न फैलाएं। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सभी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है और जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। मुझे खुशी है कि 16 तारीख से अब वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी दिल्ली में, और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद ये जो पिछला एक साल बहुत तकलीफ में गुजरा, इससे लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना से सब लोगों को छुटकारा मिलेगा। उनको लिए अपील करना चाहेंगे, मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने और जितने हमारे वैज्ञानिक हैं उन सभी वैज्ञानिकों ने सारी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, वो सभी सेफगार्ड्स फॉलो करके ये दवाई लाई गई है। तो किसी तरह का कोई भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए और सब आगे बढ़ के इसको लगवाएं। गरीब तबके के लोग जो वैक्सीन नहीं दिलवा पा रहे हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार इसके लिए जो भी मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और केंद्र सर तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अपने राज्यों में लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी सत्ता में आने पर मुफ्त वैक्सीन का वादा किया था। बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। पहले चरण में देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त कोरोना वैक्सीन दे रही है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर शामिल है। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के 27 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इन्हें कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी या नहीं, इस बारे में अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।